उदाहरण चार, दो बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल, मान लीजिए कि दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 तथा ऊंचाई h है। चूंकि बेलन की आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:4 के अनुपात में हैं, इसलिए R1/R2 बराबर 3/4, या हम कह सकते हैं कि R1 बराबर 3R और उसी तरह से R2 बराबर 4R। अतः पहले बेलन का आयतन बराबर पाई R1 का घात 2H, उसी तरह तथा दूसरे बेलन का आयतन बराबर पाई R2 की घात 2H, इसीलिए दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात होगा पाई R1 की घात 2H बटा पाई R2 की घात 2H बराबर R1 की घात 2 बटा R2 की घात 2, या पाई R1 की घात 2H बटा पाई R2 की घात 2H बराबर R1 बराबर हमारे पास 3R है, 3R की घात 2, इसको कोष्टक में लिखेंगे, और R2 का मान 4R है, तो 4R कोष्टक के बाहर, इसकी घात 2। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3R की घात 2 बराबर 3 का वर्ग 9, R2 की घात 2 बटा 16, 4 गुणित 4 = 16, R2 बराबर R2 अंश और हर से कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 9/16। इस तरह से हमने दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात किया, 9:16, यह इस उदाहरण का हल होगा।